तो जय श्री राम दोस्तों, मैं आपको दोस्त रहूँ एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टोपा गैजेट जो भी न्यू ईयर में कुछ ऑफर्स में भी आपको मिल सकता है, वैसे ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है, जिस प्राइस में आता है बहुत ही बेस्ट है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, कुछ यूनिक सा है। दिखाता हूँ फटाफट से वो प्रोडक्ट। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अभी तक मुझे इतना सपोर्ट किया है, आगे भी करोगे, न्यू ईयर आ गया है तो आपको एक मौका है मुझे मोटिवेट करने का। क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मैं दिखाता हूँ कौन सा है प्रोडक्ट, तब आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये है वो प्रोडक्ट जिसके बारे में बात कर रहा था, जो आता है कॉस्मिक बाइट की तरफ से, अच्छे प्राइसिंग में है। मैंने इसको 1000 रुपये में खरीदा है, स्पॉन्सर नहीं है वीडियो, मैंने 1000 रुपये में इसको खरीदा है। अभी इसकी प्राइसिंग कुछ 1200-1300 रुपये चल रही है, कम ज़्यादा होता रहता है, मतलब ये 900 रुपये से लेके 1200-1300 रुपये के बीच में वेरी करता रहता है, डिपेंड करता है कौन से टाइम पे ले रहे हो। जब भी इसका प्राइस कम हो आप इसको ज़रूर कंसीडर करना लेने के लिए। तभी पहले बता दूं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, और बॉक्स भी देख लो काफी अच्छा सा है, मतलब बॉक्स पे सारी चीजें लिखी हुई है। इसके अंदर आपको मिलेगा एक बर्ड्स, एक चार्जिंग केबल और एक्स्ट्रा ईयर टिप्स। तो सबसे पहले उसके अंदर आपको मिलेगा ये बर्ड्स जिसके मैं बात कर रहा था, चार्जिंग केबल और एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, तो क्या ही बताना, वो तो हर चीज में मिलती है। जैसा कि देख सकते हो डिजाइन काफी यूनिक है, मतलब आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाकी मैं इसके बारे में बताऊँ तो ये आपको दिखने में भी काफी अच्छा लग रहा होगा। प्लस इसके सामने जो ये दिख रहा है आयरन मैन का हार्ट, जो मैंने लगवाया स्पेशली अपने लिए, तुम लोग को नहीं मिलेगा, नहीं यार मजाक कर रहा था, तुम्हारे लिए इसमें भी रहेगा। बाकी डिजाइन इसका काफी अच्छा है, पैक में भी इसकी काफी अच्छी सी इन्होंने अपना लोगो बनाया हुआ है, एक बटन दिया हुआ है जिसके थ्रू क्या कर सकते हो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी डिजाइन की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी सी है, मतलब दिखने में तो काफी अच्छी दिखती है, बाकी एक्चुअल में इतनी अच्छी नहीं है। मतलब अगर आप रियल लाइफ सिनेरियो में देखोगे, अगर आपने जेब में रखा हुआ है कहीं चल रहे हो और अगर चलते चलते भी निकालोगे तो ये काफी ऐसा घूमते फिरते रहता है, आपके ये गिरने के भी चांसेस रहते हैं, पर गिरता तो नहीं ऑब्वियस बात है, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेट है वो काफी अच्छा यूज किया हुआ है, बट एक डर लगा रहता है कि कहीं गिर ना जाए। इसकी बात करो इसके अंदर आपको कुछ लाइट्स भी मिल जाती हैं जो इस तरीके से चलती रहती है। इसके अंदर आपको 3 लाइट्स मिलती है, रेड ब्लू एंड ग्रीन, और एक मोड होता है जो ब्रीदिंग मोड में कंटिन्यू लाइट अपने आप चेंज होती रहती है, इसको कंट्रोल भी कर सकते हो आप। इसके पीछे जो बटन है उसको अगर आप प्रेस करोगे तो इसके आगे की जो लाइट्स है उसको आप चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें इसके अंदर अच्छी है। प्लस देखोगे तो इसके अंदर छोटे छोटे डिटेल्स पे भी काम किया, जिसके अंदर ये जो ये टिप्स है इस पे भी लाइट्स जलती है, तो वो भी देखने में काफी अच्छा लगता है। तो इसके फीचर्स की बात करूँ तो इसके अंदर आता ब्लूटूथ 5.3 जिसके कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी रहती है और रेंज भी काफी अच्छा रहता है। कंपनी क्लेम करती है इंस्टेंट कनेक्टिविटी के साथ, पर इंस्टेंट कनेक्टिविटी तो नहीं आती, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही इसको कनेक्ट करने के लिए। मतलब अगर आप इसको निकालोगे तो 4 से 5 सेकंड लेता है आपस में कनेक्ट होते हैं पहले ये, फिर आपके फोन में कनेक्ट होगा, तो इंस्टेंट तो कनेक्टिविटी नहीं है। बट हाँ ये है कि जिस डिवाइस में रिसेंट कनेक्ट रहेगा उसमें कनेक्ट होता है, ऐसा नहीं कि अपने प्रीवियस वाले पे कनेक्ट होगा, रिसेंट वाले पे हमेशा कनेक्ट होता है। तो कनेक्टिविटी ठीक है, मतलब उतनी इंस्टेंट नहीं है जितना बाकी सारे नेक बैंड्स वगैरह, मतलब चालू करते तुरंत कनेक्ट हो जाता है, जैसे वन प्लस वाले और ये रियलमी वाले, तो ये उतना फास्ट तो नहीं है, बट हाँ कनेक्टिविटी अच्छी है, पर रेंज भी काफी अच्छा है। बट कभी कभी मुझे डिस्टॉर्शन फील हो रहा था, अगर आप ऐसा गाड़ी पे चला रहे हो ऐसा ही रन करते ना हम इधर उधर देखने के लिए, तो कभी कभी ये कुछ अजीब से ही मतलब बीच में सिग्नल्स करते रहते हो, कभी कभी तो इतना अच्छा चलता है कि इस रूम में रखो किसी और रूम में चले जाओ तो भी काम करता है, तो पता नहीं क्या सीन है। और इसके अंदर आपको 3 मोड्स भी मिलते हैं, पहले तो एक नॉर्मल मोड रहेगा जिसमें रेगुलर चलेगा, फिर इसके अंदर इसके बाद एक आता है गॉड मोड जिसमें इसकी लेटेंसी बहुत कम हो जाती है, 45 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी हो जाती है, और एक होता है म्यूजिक मोड। तो अगर आप गॉड मोड में स्विच करना चाहते हो तो उसके राइट वाले टिप्स पे ही सिर्फ काम करता है, ऐसा नहीं कि आपने अगर लेफ्ट का लगाया उस पर टच करोगे तो हो जाएगा, नहीं, वो राइट वाले पे से ही होता है, उस पर 3 बार लगातार टैप करोगे तो गॉड मोड में चला जाएगा, 3 बार लगातार टैप करोगे तो म्यूजिक मोड में चला जाएगा, और वो डिफरेंस आपको फील होता है। अगर नॉर्मल मोड में है तो लेटेंसी काफी ज्यादा होती है, मतलब म्यूजिक वहाँ पॉज कर दो तब जाके यहाँ कुछ सेकंड्स बाद पॉज होता है, बट गॉड मोड में वैसा नहीं, ताबड़तोड़ होता है, गेम खेलते वक्त भी टेस्ट आपको दिखा दूंगा मैं। प्लस इसके अंदर फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है, अगर आप इसको 10 मिनट चार्ज करते हो तो 100 मिनट्स की प्लेबैक टाइम देता है, मतलब आप गेम खेल रहे हो और ये डिस्चार्ज हो गया है, आपके फ्रेंड्स बोले अरे यार आवाज नहीं आ रहा है, बोले 10 मिनट तुम एक डीडीएम खेल लो, मैं इसको चार्ज करके फटक से आ जाऊंगा, फिर 100 मिनट खेलते रहो। जैसे मैंने आपको बताया वो कंट्रोल करने के लिए, तो उसको इजी टच भी बोलते हैं, उसके थ्रू आप इसको प्ले पॉज, कॉल उठाना, कॉल कट करना, बैक फॉरवर्ड, वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो। प्लस इसके अंदर आपको मिलते हैं 4 माइक्रोफोन्स, मतलब इसके अंदर आपको है कॉर्ड ENC नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन्स हैं, जिसको इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब इतने अच्छे से एम्पलीफाई और ये सारी चीज़ों को मैनेज किया हुआ है कि इसकी नॉइस कैंसिलेशन पावर तो इतनी अच्छी है कि आपके ऑडियो पे 80% रखता है कॉन्सेंट्रेट और बैकग्राउंड वॉइस को तो एकदम कैंसिल कर देता है। मतलब अगर आप किसी जनरेटर के पास या इन्वर्टर के मोटर के पास ऐसे कहीं भी क्राउड में खड़े हुए या नॉइज में खड़े हुए, फैन वगैरह का नॉइज एकदम कट कर देता है। मतलब भाई मैं बाहर गया हुआ था, वहाँ पे DJ वगैरह चल रहे थे और जनरेटर वगैरह चल रहा था, तो उसकी नॉइज को एकदम ही कट कर दिया था, सिर्फ मेरी आवाज़ जा रही है। अगर आप बाइक वगैरह पे भी चला रहे हो तो काफी हद तक अच्छा काम करता है, कभी कभी नहीं काम करता, पता नहीं क्या। अगर आपने एक कान में लगाया तो नहीं काम करेगा, दोनों में लगाया तो काफी अच्छा काम करता है, कभी कभी एक में भी काम करता है, क्या है पता नहीं। इसमें भी इसके सेंसर्स दिए हुए, अगर आपके कानों पे अच्छे से टच है तो ज्यादा अच्छे से काम करता है, वैसा कुछ सीन होगा मेरे साथ, बट जनरली बहुत अच्छा काम करता है। प्लस कंपनी क्लेम करती है AAC और SBC कोडेक को भी सपोर्ट करता है, बट रियल लाइफ में नहीं सपोर्ट करता, मेरे फोन में तो अभी तक नहीं किया। तो मैंने बहुत सारे नेकबैंड, बर्ड्स
और बाकी सारी चीज़ें जो भी ऐसे सपोर्ट्स करती है जो मेरे फ़ोन में दिखाता है बट ये नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा फ़ोन ख़राब है, ये भोसड़ी वाला ख़राब है, इसके अंदर नहीं सपोर्ट करता है बट कंपनी क्लेम करती है कि सपोर्ट करता है। क्या पता मेरे पास ख़राब यूनिट आया हो, ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं है भाई, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है लेकिन वही चीज़ सपोर्ट नहीं कर रही। मैंने बहुत जगह भी देखा पढ़ा तो काफ़ी सारे लोगों में नहीं सपोर्ट कर रहा है, काफ़ी सारे सब में ही नहीं सपोर्ट कर रहा है, क्या बोल रहा हूँ। प्लस ये स्वेट प्रूफ है, हल्का फुल्का पानी का छींटा या कहीं गिर भी गया तो भी ख़राब नहीं होने वाला। जैसे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी मतलब देखो अच्छी है, बट मेरा हाथ से एक बार छूट के गिरा था तो इसके कैप्स वगैरह जो है ये खुल गए थे, बट अभी मैंने अच्छे से फिट कर दिया तो फिट हो गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत दे रहा है या मतलब बोलते ना इसकी टूट गया कूट गया, वैसा नहीं है, बट बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बट कभी कभी पता नहीं अजीब ही होता है मेरे साथ चीज़ें। तो मेरे साथ वैसा हो गया था कि एक बार गिरा खुल गया, मैंने रिटर्न पैक किया, पैक हो गया प्रॉपर, अच्छे से काम कर रहा है, कोई तकलीफ नहीं हुआ मुझे। तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है बट यही है कि यार काफ़ी संभाल के यूज़ करना पड़ता है, अगर आप एकदम रफ यूज़ करोगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर टूट जाएगा, भले यही ना टूट जाए। और इस डिज़ाइन के साथ एक प्रॉब्लम जरूर आएगी आपको, कुछ टाइम के बाद आपको चार्जिंग का इशू होगा, क्योंकि जब इसके अंदर डस्ट वगैरह जाएंगे ना, इसके अंदर जो वो टिप्स होते हैं जिसपे ये कनेक्ट होता है चार्ज करने के लिए, तो आपस में जब टच नहीं होंगे इस पर कार्बन और मिट्टी बैठ जाएगी तो चार्जिंग इशू आपको जरूर आएगा, क्योंकि डिज़ाइन एकदम ओपन है, यहाँ से मिट्टी जाना वो सारी चीज़ें कॉमन है, वो तो होगा ही, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा संभाल के यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपका ये चार्ज नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ है आपको, तो कुछ करना नहीं है, इसको चुपचाप बाहर निकालो, इसके जो पॉइंट है इसको किसी चाकू से या किसी ऐसी चीज़ से या फिर कॉटन में अगर आपके पास नेल पॉलिश रिमूवर होगा उसके थ्रू साफ कर दो दोनों को और लगा दो, फिर चार्ज होने लगेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से काम करता है। प्लस अगर आप जब इसको चार्ज में लगाओगे तब भी ये लाइट ऑन हो जाती है, और अगर आप इसके ईयर टिप्स को निकाल के रिटर्न लगाओगे तो भी ये ऑन हो जाते हैं, मतलब जब भी कुछ भी करो ये ऑन हो जाता है, इसके वजह से ये भी चार्जिंग खाता है। बट इसकी बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छी है, 40 आवर्स की प्लेबैक टाइम देता है केस के साथ, और अगर सिंगल ये यूज़ करोगे तो 8 घंटे के देते हैं एक प्लेबैक टाइम, तो काफ़ी अच्छा है। और ऑडियो क्वालिटी की बात करो तो भाई मतलब ये चलता फिरता डीजे है, अगर आप इसको फुल साउंड पे सुना रहे हो आपका सर दर्द हो रहा है तो नहीं सुन पाओगे भाई, काफ़ी ज़्यादा बेस आता है। मतलब अगर आपको म्यूजिक सुनना है, मूवी देखनी है तो भाई गो फॉर इट, कुछ सोचना नहीं, चुपचाप जाके ले लो, और गेम्स वगैरह भी खेलना उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। 39mm के ड्राइवर्स की वजह से ये बेस बहुत ही अच्छा निकाल के देता है। और इसके अंदर कुछ नहीं है, बस बाकी तो डिज़ाइन ही है यार, देखने में देख रहा हूँ रेडियो लग रहा है, पोर्टेबल रेडियो, अगर आपको डेस्क वगैरह सजाना है कहीं आपको बैठे वैसा रख देगा तो टेबल पे भी रखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आपको ये लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बेस्ट बाय लिंक, क्यों जाके ढूंढना मजबूरी करना, मैं ढूंढ के दे रहा हूँ, जाके वहाँ सीधा खरीद लो। बाकी अगर आपको ये पसंद आया तो ले लो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं ये यार कुछ तो अच्छा काम करो, सब्सक्राइब करो, मजा आए, कुछ नए नए प्रोडक्ट लाते जाएंगे। बाकी ये टोपो प्रोडक्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और भाई बहुत लेट लेट वीडियो बन रही है उस पर भी अभी इस बार से बहुत ध्यान दिया जाएगा कि वीडियो काफ़ी टाइम पे आ जाए। और अगर वो कुछ चाहते हो, कोई नया प्रोडक्ट कुछ नया देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताओ, किसका रिव्यू आपको चाहिए, कुछ क्वेश्चन है जरूर पूछा करो, मैं रिप्लाई दे देता हूँ, जनरली कभी कभी लेट हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।